हैव ऑलरेडी डिस्कसड दैट मनी इज डिफाइंड एंड आई है अब जो हम नेक्स्ट जाना जाते हैं वो दूसरे फंक्शन पे कि मनी इज यूनिट ऑफ अकाउंट जब आप कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट इसका मतलब है ये किसी मेजरमेंट से रिलेटेड और आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मैर करते हैं एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आप डिस्टेंस मैर करते हैं जब आप कहते हैं कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप बात करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद कितना डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए आपने अकाउंट मैयर करना है डिस्टेंस तो किस में करेंगे किलोमीटर्स में कर लेते हैं तो डिस्टेंस इज़ मैर्ड इन किलोमीटर तो किलोमीटर में मैयर करने का मतलब है कि किलोमीटर इज़ अ यूनिट विच इज़ यूज टू मयर distance? इसी तरीके से डेली लाइफ में आप कुछ और भी देखें क्या आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं वो ऐसी चीज़ है जो के जी में बिकती है या वज़न करके बिकती है तो आप उसका वज़न करना चाहेंगे वो स्केल पे होता है स्केल आ, डिजिटल भी हो सकता है या पुराने ज़माने का कोई मैनुअल टाइप का भी हो सकता है लेकिन कोई भी हो आप किसी चीज़ का जब वज़न करते हैं तो आप कहते हैं ये वज़न कितना है तो उसके लिए आपके पास कोई मयरमेंट होनी चाहिए कि आप किस फॉर्म में ये बताएंगे किस नंबर में बताएंगे कि इसका वजन कितना है तो नॉर्मली हम यूज करते हैं के जी के जी इसका डेली लाइफ में कि के जी इसका इतने के जी इस चीज का वजन है कोई फ्रूट खरीदें वेजिटेबल खरीदें व्हीट खरीदें राइस खरीदें तो आप उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ के जी बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर दुकान पे चले जाते हैं वेजिटेबल शॉप पे चले जाएं तो जब आप वहां पे मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत पूछेंगे एक तो हो गया ना कि आपने उन सब्जियों को जब खरीदा तो उसकी मेजरमेंट केजी में हुई या समटाइम्स डजंस में भी होती है कुछ चीजें नंबर के हिसाब से बिकती हैं कुछ चीजें वजन के हिसाब से बिकती हैं लेकिन जिस फार्म में भी बिके जब आप बात करेंगे उनकी वैल्यू की कि कितना बिल बन गया तो कभी बिल केजी में नहीं होता बिल जो है वो कभी आपको ये नहीं बताया जाता कि जी अच्छा ये कितने की हो गई मेरी सब्जी तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कितने के जी होगी के जी का तो मतलब हो गया कि वजन अब जब आ गया कितने की हो गई तो कितना यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है उसकी प्राइस कितनी है उसका टोटल बिल कितना है वो किस चीज से मैयर करते हैं हम रोपी से मनी से बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हम रोपी यूज करते हैं मोस्टली लेकिन मैंने पहले भी बताया कि, कि करेंसी इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ मनी लेकिन पॉइंट ये है कि हम मनी की फॉर्म में बताते हैं उसकी वैल्यू तो इसका मतलब यह मनी यूनिट ऑफ अकाउंट है अच्छा किसी बंदे से पूछना हो आपकी आमदनी कितनी है तो वो किस फॉर्म में बताएगा वो आपको बताएगा मनी की फार्म या किसी बंदे का अंदाजा लगाना हो इसके पास कितनी दौलत है अब दौलत में तो मैंने पहले बताया घर भी हो सकता है गाड़ी भी हो सकती है ज्वेलरी भी हो सकती है जब मुख्तलिफ चीजें दौलत में हो सकती हैं लेकिन अगर एक सिंगल नंबर में बताना हो इसके पास कितनी दौलत है तो उसकी वैल्यू बताई जाती है और वैल्यू मनी की फॉर्म में बताई जाती है इसी तरीके से एक साल के दौरान जितनी आमदनियां लोग कमाते हैं उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं हमारे लोग जितने भी एक साल के अंदर आमदनी कमाते हैं हम उसे नेशनल इनकम या कौमी आमदनी कह सकते हैं अब ये जो नेशनल इनकम है ये मुख्तलिफ चीजें प्रोड्यूस करने से आती है कोई बैंकर है वो बैंकिंग की सर्विस प्रोड्यूस करता है कोई इंश्योरेंस कंपनी में है वो इंश्योरेंस की सर्विस प्रोड्यूस करता है कोई जो है वो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग की सर्विस प्रोड्यूस करता है कोई शॉपकीपर है वो रिटेल बिजनेस की सर्विस प्रोड्यूस करता है तो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं लोग लेकिन उसके बदले में जब हम आमदनी देखते हैं इनकम्स देखते हैं तो ये नहीं कहते कि इसने इतना राइस प्रोड्यूस किया इसने इतना व्हीट प्रोड्यूस किया वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी होता है तो इसका मतलब है आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हो तो अकाउंट्स में केजी या किलोमीटर नहीं आते अकाउंट्स में उनकी वैल्यू आती है वैल्यू आती है अगर अकाउंट्स में तो इसका मतलब है मनी यूनिट ऑफ अकाउंट है तो मनी का ये फंक्शन यूनिट ऑफ अकाउंट कि किसी भी चीज की वैल्यू मेजर करने के लिए मनी एक इंस्ट्रूमेंट ये मुराद है यूनिट ऑफ अच्छा फिर वापस चले जाते हैं पुराने जमाने के हिसाब से कि अच्छा मनी ना हो तो फिर क्या सिस्टम हो सकता है फिर हमारी बार्टर इकॉनोमी होगी अब बार्टर इकॉनॉमी जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिहाज से इनएफिशिएंट है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी यूनिट ऑफ अकाउंट में भी इन है कैसे जैसे आपके पास तीन आइटम्स हो तो आपने तीनों की प्राइसेस दूसरी चीज की प्राइस से बतानी होगी कि मसलन राइस की प्राइस वीट की फार्म में कितनी है राइस की प्राइस जो है वो मैंगो की फार्म में कितनी है मैंगो की प्राइस वीट की फार्म में कितनी है मैंगो की प्राइस जो है वो राइस की फार्म में कितनी है तो डिफरेंट फार्म में आपको एक दूसरे डिफरेंट कमोडिटीज की डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी एक सिंपल सा फार्मूला जिसके तहत हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कुल तीन आइटम्स हों जिनकी आपने लेन देन करना है तो आपको तीन प्राइसेस कोट करनी पड़ेंगी यानी कि ए चीज की प्राइस इन टर्म्स ऑफ बी ए की इन टर्म्स ऑफ सी और सी की इन टर्म्स ऑफ बी ये तीन प्राइस लेकिन अगर आपके पास दस आइटम्स हो तो आपको फोर्टी फाइव प्राइसेस जो है वो कोट करनी पड़ेंगी तब आपके अकाउंट्स कंप्लीट होंगे अगर आपके पास हंड्रेड आइटम्स हैं तो आपको लगभग पांच हजार प्राइसेस बतानी पड़ेंगी और अगर एक हजार आइटम हो तो पांच लाख तक प्राइसेस चली जाती हैं क्यों हर चीज की प्राइस दूसरे की फॉर्म में बतानी पड़ेगी लेकिन मनी का क्या फायदा है मनी अगर यूनिट ऑफ अकाउंट हो तो उसका फायदा यह है कि हर चीज की प्राइस एक ही चीज में बतानी है मनी में मैंगो किस तरह है इतने रुपीज पर केजी जी वीट किस तरह है इतने रुपीज पर फोर्टी केजी राइस किस तरह है इतने रुपीज पर ट्वेंटी केजी तो अगर हंड्रेड थाउजेंड आइटम्स होंगे तो थाउजेंड ही प्राइसेज होंगी पांच लाख प्राइसेज नहीं होंगी इस वजह से कि हर चीज की प्राइस हर चीज की टर्म में नहीं होगी बल्कि हर चीज की प्राइस सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म में होगी तो जिस तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी का फायदा है बिल्कुल उसी तरीके से यूनिट ऑफ अकाउंट में भी बार्टर इकोनॉमी के मुताबिक के मुकाबले में मनी का बेनिफिट ज्यादा है थैंक यू